हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम लोग रेगुलराइजेशन uh, टेक्निक्स पढ़ रहे थे और हमने जो पहला रेगुलराइजेशन टेक्निक पढ़ा वो था रिज रिग्रेशन अब हम लोग लासो रिग्रेशन पढ़ेंगे जिसको हम एल वन रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं ठीक है सो so, इस वीडियो में हमारा पूरा एंड गोल इज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एल या फिर लासो रिग्रेशन और किस तरीके से ये हमें ओवर रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये हमें समझना है ठीक है सी इफ यू रिमेंबर आप रिज रेगुलेशन में क्या करते थे जो आपका लॉस फंक्शन था मीन स्क्वायर्ड एरर जिसको आप ऐसे लिखते थे उसमें आपने एक पेनल्टी टर्म ऐड कर दिया था लैमडा दिस दिस वाज एक्चुअली इक्वल टू लैमडा टाइम्स w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस wn स्क्वायर ठीक है यहाँ पे w1 से wn आपके कोफिशिएंट्स थे दीस आर योर कोफिशिएंट्स ठीक है अब मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके समझाया था कि कैसे ये करने से आपका सारा कोफिशिएंट्स का वैल्यू धीरे-धीरे जीरो की तरफ मूव करता है अगर आप लैम्डा को बढ़ाने लग जाओ ये हमने लास्ट दो तीन वीडियोस में बहुत केयरफुली पढ़ा ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग इसका ही एक वेरिएशन देखेंगे जिसको हम लैसो रिग्रेशन बोलते हैं ठीक है और बाय द वे मैंने आपको ये बता रखा था पहले के वीडियो में कि इसको एल टू रेगुलराइजेशन बोला जाता है रिज रिग्रेशन को एल टू रेगुलराइजेशन बोला जाता है बिकॉज आप यहाँ पे सेकेंड नॉर्म ले रहे हो इस वेक्टर का ठीक है अब लैसो में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं करते आप लासो में भी आप सेम काम करते हो आप अपना एमएससी लेते हो मीन एरर इज दिस टर्म और इसमें फिर से आप एक पेनल्टी टर्म एड करते हो ठीक है और वो जो पेनल्टी टर्म होता है वो वन नॉर्म होता है मतलब एक वेक्टर का एल वन नॉर्म और वो वेक्टर है ये सो so बेसिकली इसको अगर आप ढंग से लिखो तो दिस इज नथिंग बट लैमडा टाइम्स एब्सिल्यूट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वन प्लस

अब हम क्या करेंगे दो चीजें करेंगे सबसे पहले हम आ, ये पढ़ेंगे कि कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लैसो रिग्रेशन में याद रखना होगा और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस देखेंगे जो आपको मिलता है रिज रिग्रेशन में वर्सेस लैसो रिग्रेशन ठीक है सो मैथ्स मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको खुद से स्क्रैच से आ, बना सकते हो यूजिंग पाइथन उसके पीछे का मैथ्स क्या है ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इस वीडियो में वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू द कोडिंग ऑफ एसके लर्न एसके लर्न में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है हम लोग कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे और डिफरेंसेज देखेंगे रिच वर्सेज लासो का सो so, एक बार समराइज करते हैं जाने के पहले Uh, अगर आपने लास्ट टाइम रेगुलराइजेशन का वीडियो देखा होगा रिज का तो उसमें बस एक छोटा सा चेंज आपको करना है लैसो के लिए और वो ये चेंज ये है कि आपका जो पेनल्टी टर्म होता है उसमें राधर यू आर गोइंग टू यूज द एल वन नॉर्म एल टू नॉर्म होता है स्क्वायर एल वन नॉर्म होता है मॉड ठीक है सो so यहाँ पे आप बस क्विशंस का मॉड एड कर दे रहे हो अपने एग्जिस्टिंग लॉस फंक्शन में एंड दैट्स इट

और दिस इज हाउ द डेटा लुक्स एंड यू कैन सी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन लगा करके जो ओरिजिनल स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए और अब मैंने अगले सेल में क्या किया है मैंने लूप के अंदर अलग अलग एल्फा वैल्यूज के लिए ठीक है मैंने अलग अलग एल्फा वैल्यूज ली जीरो वन फाइव टेन थर्टी आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं जिसको लामडा बोल रहा हूँ वही एल्फा है वहां पर करने का सोचने लग जाते हो, और फिर ये जो सिचुएशन होता है वो अंडर फिटिंग का होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है और अगर आप लैमडा का वैल्यू जीरो कर दो तो फिर लैसो रिग्रेशन क्या बन जाएगा नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन बिकॉज ये पूरा टर्म जीरो हो जाने से सिर्फ एमएसई बचेगा और एमएसई किसका होता है लीनियर रिग्रेशन का ठीक है सो so अगर आप बहुत कम कर दो लैमडा का वैल्यू तो लैसो रिग्रेशन विल बिहेव एज लीनियर एग्रेशन मतलब ओवर फिटिंग हो सकता है और अगर आप बहुत बढ़ा दो लैमडा का वैल्यू तो अंडर फिटिंग हो सकता है ठीक है लैमडा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है सो so वही मैंने यहाँ पे किया है मैंने अलग अलग वैल्यूज ट्राई की जीरो वन फाइव टेन और थर्टीन के लिए और मैंने क्या किया है लैसो रिग्रेशन अप्लाई किया है एल्फा का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर करके हर बार मैंने मॉडल को फिट किया और फिर मैंने ग्राफ में प्लॉट किया जो रिग्रेशन लाइन बनी एंड यू कैन सी दिस इज द रिग्रेशन लाइन यू कैन सी दिस इज द आउटपुट सो जब एल्फा का वैल्यू बहुत ही कम था एल्फा इक्वल टू जीरो तो वही लाइन बनी ब्लू लाइन वही वाली बनी जो एक्चुअल लीनियर रिग्रेशन के केस में बनती फिर आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे जैसे जैसे आप एल्फा का वैल्यू बढ़ा रहे हो आपके लाइन का स्लोप डिक्रीज हो रहा है आपका जो कोफिशियंट है जो वाइजिकल टू एम एक्स प्लस बी तो आपका ये जो कोफिशियंट है ये डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप लैमडा को बढ़ा रहे हो सी जब एल्फा का वैल्यू वन है तो ऑरेंज लाइन है एल्फा का वैल्यू फाइव है तो ग्रीन लाइन है

इन अलग अलग वैल्यूज के लिए इन अलग अलग लैमडा वैल्यूज के लिए पोरिनॉमियल uh, फिट कर रहा हूँ uh, को रन करने के बाद जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है सो so, जो रेड लाइन है जो एल्फा इक्वल टू जीरो के लिए है वो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन शो कर रहा है और जो आपका ग्रीन लाइन है वो है पॉइंट वन एल्फा वैल्यू के लिए वो थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ यू नो फिटिंग द डेटा और जो ब्लू लाइन है वो बहुत हाई अल्फा वैल्यू के लिए है 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 वन एंड यू कैन क्लियरली सी ये ये लाइन कर कर रहा है, ये कर रहा सॉरी रेड लाइन थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ओवर uh, फिटिंग हो रहा है बट द ग्रीन लाइन इज द बैलेंस दोनों के बीच का बैलेंस है जहां पे भी रेड लाइन कुछ गलती कर रहा है वहां पे कंपनसेट कर रहा है और जहां पे भी ब्लू लाइन गलती कर रहा है वहां पर भी कंपनसेट कर रहा है ठीक है तो अगेन थिंग्स आर वेरी सिमिलर जैसा आपने रिज रिग्रेशन के केस में देखा था अभी तक जो सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये है कि लैसो के केस में अगर आप एल्फा या फिर lambda, जो भी आप बोलो उसका वैल्यू बहुत बढ़ा देते हो तो फिर आपके कोफिशंट जीरो हो जाते हैं जो कि कभी भी नहीं होता था आपके रिज uh, रिग्रेशन के केस में ठीक है तो इससे फायदा क्या होता है इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि लेट मी एक्सप्लेन दिस की exactly क्या फायदा हो रहा है तो so, सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप मान लो एक हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम कर रहे हो लेट्स से आपके पास एक बहुत हाई डायमेंशनल डेटा है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन और फिर वाई है आपके पास तो बहुत हाई डायमेंशनल डेटा में ओवर का सीनारियो बहुत हाई होता है अगर आप मान लो इसके ऊपर कोई पोलिनॉमल रिग्रेशन फिट कर रहे हो और डिग्री आप बहुत बढ़ाते जाओ तो ओवरफिटिंग का केस बहुत ईजिली आ सकता है ठीक है अब अगर आप इस पे रिज रिग्रेशन लगाओगे तो इनमें से किसी का भी कोफिशियंट जीरो नहीं होगा मतलब वो सारे के सारे का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इससे क्या होगा आपके जो कोफिशियंट्स कम इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉलम्स कम इंपॉर्टेंट है उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशियंट है वो जीरो हो जाएगा सो so, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनहेरेंटली क्या परफॉर्म कर रहे हो आप फीचर सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हो सो ऑटोमेटिकली रिग्रेशन क्या कर रहा है वो पता करके बता रहा है आपको कि कौन से कॉलम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करने में। और इससे क्या हो रहा है आपका जो डेटा का डायमेंशनैलिटी है वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपको पता चलेगा कि एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स टेन काम के कॉलम्स नहीं है आप उनको हटा दोगे और आप बाकी के बचे हुए कॉलम्स के साथ काम करोगे इसका मतलब आपका जो डायमेंशनैलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा ठीक है और ऑटोमैटिकली आप फीचर सिलेक्शन अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर so कॉलम मतलब के को जीरो कर देगा जो उतने काम के नहीं है जिनके ऊपर वाई उतना रिलाई नहीं करता एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट लैसो ये चीज आपको रिज रिग्रेशन में नहीं मिलती रिज रिग्रेशन क्या करेगा कि उसको पता तो चल जाएगा कि कौन सा कॉलम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी वो उसका वैल्यू जीरो नहीं कर पाता पॉइंट फाइव रखेगा पॉइंट टू रखेगा और आपको उस कॉलम को अपने पास हमेशा लेके चलना पड़ेगा एंड दैट इज अ प्रॉब्लम ठीक है तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए मोस्टली द आंसर इज लैसो अगर आप हाई डिमेंशनल डेटा पे काम कर रहे हो और उसमें से कुछ कॉलम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैटर नहीं करते तो आपको क्या करना चाहिए आपको लैसो यूज करना चाहिए क्योंकि वो इनहेरेंटली फीचर सेलेक्शन करके फिल्टर कर देगा सिर्फ वही कॉलम्स बचेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है जो कॉलम्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको लासो हटा देता है तो so guys, we'll uh, पहला पॉइंट ऑल हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार उसको प्रैक्टिकली देखने से आपके दिमाग में वो आइडिया थोड़ा और अच्छे से बैठेगा कि कोफिशियंट कैसे अफेक्ट होते हैं जब आप लैमडा या फिर उसी में मैंने बस चेंजेस कर दिए सो दैट मैं आपको लैस रिग्रेशन में दिखा पाऊ से ठीक है तो so, ये सेम नोटबुक को uh, यहाँ पे मैंने लोड डायबिटीज वाला डेटा साइट इम्पोर्ट किया है दिस इज द डेटा साइट डेट वी है यहां पे हमारे पास इतने इनपुट कॉलम्स हैं और एक हमारा आउटपुट कॉलम है हमने स्प्लिट किया और फिर मैंने अलग अलग वैल्यूज के लिए रिग्रेशन uh, परफॉर्म करके हर बार कोफिशियंट्स की वैल्यू को इस लिस्ट में मैं स्टोर करता चला गया ठीक है सो so दैट मैं ये ग्राफ प्लॉट कर पाऊं एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ गाइस कि जब आपका एल्फा जीरो था एल्फा या लैमडा जो भी बोलो जब वो जीरो था तो आपके जो कोफिश थे सारे के सारे कॉलम्स के लिए वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे एंड यहाँ पे आप स्केल के बारे में भी देखो वाई स्केल इज माइनस सेवन फिफ्टी से लेके सेवन फिफ्टी तक तो यू कैन सी इस पॉइंट पे जो कोफिशियंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं स्पेशली एस वन कॉलम बी एम आई कॉलम एस फाइव कॉलम ठीक है इन कॉलम्स का जो कोफिशियंट है वो बहुत हाई है

सेक्स uh, का भी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा है एस uh, थ्री बढ़ा है नेगेटिव डायरेक्शन में और एस फाइव अभी भी है ठीक है बट बाकी सारे बहुत कम हो गए इनफैक्ट एज ना के बराबर है मतलब जीरो हो गया ठीक है सिमिलरली जब हमने थोड़ा और बढ़ा के एल्फा इक्वल टू वन किया यू कैन सी अब सिर्फ तीन कॉफिशियंट बच गए बी एम आई ब्लड प्रेशर एंड एस फाइव सो यहाँ पर एक्चुअली फीचर सिलेक्शन हो रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं आपके पास वो यही तीन कॉलम्स या फिर अगर आप थोड़ा कम का वैल्यू लो क्योंकि आप आर टू स्कोर भी पकड़ के चलोगे तो आर टू स्कोर अगर आप पकड़ के चलो तो एस टू एस फोर और एच ये उतने ज्यादा काम के कॉलम्स नहीं है अकॉर्डिंग टू लैस ऑफ रिग्रेशन और जब आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी वैल्यूज उसने क्या किया उसने सारे कोफिशंस को जीरो कर दिया विच इज क्लियरली अ केस ऑफ अंडर फिटिंग और वो चीज आपको स्कोर में दिखाई भी दे रहा है द स्कोर इज नाउ नेगेटिव क्लियरली सिग्निफाइंग कि आपका रिग्रेशन बहुत खराब हो रहा है ठीक है ठीक आई गेस आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये समझने की बात है कि जो हायर कोफिशंस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जैसे जैसे आप लैमडा का वैल्यू बढ़ाते हो ठीक है सो so यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया है ये अलग अलग वैल्यूज ले लिए है लैमडा या एल्फा जो भी बोलो और मैंने हर एल्फा वैल्यू के लिए फिर से लैसो रिग्रेशन परफॉर्म करके सारे कोफिशियंट्स की वैल्यूज को स्टोर किया ठीक है और इस बार मैंने क्या किया ये एक डेटा फ्रेम बनाया जहां पे हमारे पास रो में एल्फा वैल्यू है और कॉलम्स में सारे कोफिशियंट्स है सो यू कैन सी एक ग्रेजुअल ट्रेंड ये है कि हर कोफिशियंट का वैल्यू जैसे जैसे आप एल्फा को बढ़ा रहे हो डिक्रीज करता जा रहा है ठीक है और एंड में अगर आपने बहुत बढ़ा दिया तो सभी जीरो हो गए ठीक है स्पार्सिटी क्रिएट हो गया मतलब स्पार्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा जीरो आ गए वही अगर आप कोई बीच की जगह पे देखो जैसे कि ये है पॉइंट वन पे यू कैन सी एज का वैल्यू जीरो हुआ है एस टू का वैल्यू जीरो हुआ है और एस फोर का वैल्यू जीरो हुआ तो ये जो ये जो स्टेप है ना ये जो बीच का कहीं पर आपने एल्फा वैल्यू जब सेट किया यहाँ पे फीचर सेलेक्शन हो रहा है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन से कॉलम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कॉलम्स कम इंपॉर्टेंट है और आप जैसे जैसे और बढ़ाते जा रहे हो और ज्यादा नंबर ऑफ कोफिशियंट्स जीरो होते जा रहे हैं तो आपको यहां पे इंट्यूशन बस ये रखना है दो चीजें पहली चीज कि जो ज्यादा बड़े कोफिशियंट हैं उनको उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उनको ज्यादा नीचे आना पड़ता है ठीक है सेकेंड फीचर सिलेक्शन होता है इंटरमीडिएट वैल्यूज पे अगर आप बहुत हाई वैल्यू ले लो अल्फा का सारे वैल्यू जीरो हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड केस आपको बीच में कहीं पर एक सही जोन खोजना होता है जहां पे आपका फीचर सिलेक्शन हो रहा है और आपको आपके बेस्ट कॉलम्स मिल रहे हैं ठीक है एक और ग्राफ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप साइड बाय साइड प्लॉट करो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका स्केल है मतलब कोफिशियंट का वैल्यूज का और जो एक्स एक्सिस है ये आपका एल्फा सिग्निफाई कर रहा है एल्फा या लैमडा इसको आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो यू कैन सी जो बहुत बड़े वाले कॉलम्स थे येलो इज एस पर्पल इज एस वन और जितने भी बड़े बड़े कॉलम्स थे वो बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं और इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद सब जीरो हो जा रहे हैं तो आपको कहीं यहाँ पर इस जगह पर टू या इसके आसपास में हमें कहीं पे वैलिड वैल्यू मिलेगा एल्फा का ठीक है क्योंकि अगर आपने बहुत बढ़ा दिया तो आपको पता है क्या होगा सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी बट यहाँ पे आपको ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हायर वैल्यूज हैं उनको ज्यादा पेनलाइज किया जा रहा है उनको बहुत तेजी से नीचे लाया जा रहा है सो दैट ओवर ना हो क्योंकि ओवर का मेन आइडिया क्या है कि आपकी कोफिशियंट्स का वैल्यू बहुत हाई है अगर आप उन वैल्यूज को नीचे लेके आओगे तो कोफिशिएंट मतलब ओवरफिटिंग रिड्यूस होगा और अगर आप उसको एकदम जीरो कर दोगे जैसे नहीं आप जैसे कि आपने यहां पे किया तो इसका मतलब है कि आप अंडरफिटिंग कर रहे हो ठीक है तो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स अभी तक समझ में आए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैम्डा को बढ़ाने से क्या इंपैक्ट पड़ता है बायस और वेरिएंस के ऊपर नेक्स्ट गाइस हमें पढ़ना है कि लैम्डा का इंपैक्ट क्या होता है बायस और वेरिएंस के ऊपर और इसके लिए हमें एक डिस्कशन करना पड़ेगा यह डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था के केस में भी यहां पर भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है आपको पता है कि आप लैमडा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हो तो आपका ओवर फिटिंग डिक्रीजेस ओवर फिटिंग डिक्रीजेस डिक्रीजेस का मतलब आपका जो बायस है वो बढ़ने लगता है क्योंकि ओवर कब होता है जब आपका बायसेस लो ठीक है मतलब आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो आपका बायस बहुत कम है जो चीज़ है. कि डिजायरेबल चीज है द ओनली प्रॉब्लम इज इजियंस हाई हो जाता है ओवर फिटिंग में तो जैसे ही आप लैमडा का वैल्यू बढ़ाते हो तो बायस बढ़ने लग जाता है और उसकी वजह से आपका जो वेरियंस है वो डिक्रीज करने लग जाता है सो अगर आप एक ग्राफ में ये सब कुछ प्लॉट करने का ट्राई करो यहाँ पे अगर आप लैमडा को रखो और यहाँ पे अगर आप वैल्यूज लो तो आई कैन शो यू कि शुरू में लैमडा की बहुत कम वैल्यूज के लिए हम बायस का बात पहले कर रहे हैं बायस बहुत कम होता है और ग्रेजुअली जो बायस होता है वो बढ़ने लग जाता है लाइक like दिस ठीक है अगर आप वेरियंस का बात करो तो वेरियंस बहुत कम वैल्यूज के लिए बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप लैमडा बढ़ाते हो तो वेरियंस रिड्यूस होने लग जाता है लाइक like दिस और फिर आपका जो टोटल एरर है वो इन दोनों का सम होता है तो वो कुछ इस तरीके से रहता है सो दिस इज द कर्व मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं रेड सिग्निफाइज बायस ग्रीन सिग्निफाइज वेरियंस एंड द ब्लू कर्व सिग्निफाइज टोटल एरर ठीक है बहुत छोटी वैल्यूज के लिए बायस कम होगा वेरियंस ज्यादा होगा और बड़ी वैल्यूज के लिए लैमडा की बायस आपका बढ़ जाएगा और वेरियंस घट जाएगा ठीक है तो ये सेम चीज मैंने ट्राई किया एक डेटा के ऊपर अप्लाई करने का uh, मैंने लास्ट बार भी यही डेटा यूज किया था अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा पोलिनॉमल फीचर्स क्रिएट किए और मैंने अल्फा की वैल्यूज ट्राई की फ्रॉम जीरो टू थर्टी हंड्रेड डिफरेंट वैल्यूज और हर बार मैंने लैस रिग्रेशन अप्लाई करके बायस वेरियंस डी कॉम फंक्शन यूज किया एम एल एक्सटेंड लाइब्रेरी का और मैंने हर बार तीनों चीजें कैलकुलेट की कि उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल्फा के लिए वॉट इज द लॉस वॉट इज द बायस वॉट इज द वेरियंस और ऐसा मैंने हंड्रेड टाइम्स किया इन साइड अ लूप और ऐसा करने के बाद ये कोड रन करने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज uh, आप हंड्रेड टाइम्स कर रहे हो एंड दिस इज अ डेटा सेट हैज गॉट मल्टीपल कॉलम्स और आप पोलिनेशन अप्लाई कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स और इंक्रीज हो जाते हैं तो दैट इज वाई थोड़ा टाइम लगता है बट जब मैंने ये किया और उसके बाद जब मैंने किया, तो मुझे क्लियरली ये तो दिखाई दिया कि बायस बढ़ रहा है आई विल शो यू द ग्राफ दिस इज द ग्राफ दैट आई गॉट सो दिस इज द ग्राफ यू कैन सी यहाँ पे ऑरेंज कर्व बायस है जो कि जैसे जैसे आप लैमडा का वैल्यू बढ़ा रहे हो बढ़ता जा रहा है ठीक है बट यहाँ पे जो वेरियंस है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ नहीं अब थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ मे uh, बी इस डेटा सेट की वजह से ऐसा है uh, कि वेरियंस रिड्यूस नहीं हो रहा तो आई विल डू डू इज आई सम मोर रिसर्च मैं कुछ और डेटा सेट्स के ऊपर ये काम करूंगा और फिर जो मैं सीखूंगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि बायस वेरियंस को कैसे इम्पैक्ट करता है बट या थ्योरी के हिसाब से यही होना चाहिए कि आपका बायस बढ़ना चाहिए वेरियंस घटना चाहिए और आपको इस जोन में कहीं पे लैमडा का वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए इस जोन में जो तो भी है ये वैल्यू आपको सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे बायस और वेरियंस दोनों बहुत आसपास है ठीक है ये जोन में आपको वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई गेस जीरो जीरो पॉइंट वन के आसपास ही वो वैल्यू है यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर फिटिंग हो नहीं रहा है दैट इज वाई अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यू लेते हो अल्फा या लैमडा जो भी बोलो तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे

और ये सही वैल्यू है बी का ठीक है अब मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट लॉस बोलकर को मल्टीप्लाई कर दिया एपसुलूट वैल्यू ऑफ एम से ठीक है सो ये मेरा कैलकुलेट फंक्शन है और ये मेरा प्रेडिक्ट फंक्शन है जहां पे मैंने एम इंटू एक्स अगर मुझे कोई एम मिलता है तो मैं एम इंटू एक्स करके माइनस टू पॉइंट टू नाइन कर दूंगा ठीक है सो मैंने यहाँ पे अपना

ज एक्चुअली एल्फाइक् टू जीरो जो ऑरेंज कर्व है दैट इज हंड्रेड ग्रीन कर् फाइव हंड्रेड रेड कर्व थाउजेंड uh, और जो पर्पल कर्व है वो है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है? कि इस साइड से राइट साइड से आपका कर् ज्यादा ऊपर की तरफ उठ रहा है और लेफ्ट साइड से आपका कर्व कम ऊपर की तरफ उठ रहा है मतलब मैं आपको ये फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है कि जब आपके पास आपने लैमडा का वैल्यू जीरो रखा क्या मैंने जीरो रखा है लेट मी चेक हाँ लैमडा का वैल्यू जब आपने जीरो रखा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था जैसा कि नॉर्मली होता है ठीक है मैंने थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए कुछ ऐसा था ठीक है एंड यू कैन सी द मिनिमम वैल्यू इज समवेयर अराउंड ट्वेंटी सेवन जो स्लोप का मिनिमम वैल्यू था अब आप जैसे जैसे लैमडा का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपका यहां से भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है कर्व यहां से थोड़ा थोड़ा उठ रहा है बट यहां से ज्यादा उठ रहा है यहां से ज्यादा उठ रहा है ठीक है सिमिलरली अगर आप और बढ़ा रहे हो तो यहां से थोड़ा उठ रहा है बट यहां से ज्यादा उठ रहा है और जैसे आप बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हो तो हो क्या रहा है कि कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है इस तरीके का So, ये एक एंगल सा क्रिएट हो रहा है दिस इज एन एंगल यू कैन सी यहाँ पर एक एंगल ऑफ क्रिएट हो रहा है ठीक है एंड यू कैन सी इस पॉइंट पे आने के बाद अब आप कितना भी बढ़ाते जाओ यहां से ही वो ऐसे कट मारने लगेगा आई कैन शो यू फैक्ट, अगर मैं और बढ़ा दू लेट से मैं थर्टी फाइव हंड्रेड भी एड कर दू तो आउटपुट कुछ ऐसा ही दिखाई देगा सी अब आप उसी जगह से बस ऊपर उठाते जा रहे हो क्योंकि आप जीरो पे आ चुके हो अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा ठीक है नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये उसी पॉइंट से उठने लग जाएगा और हमेशा वैल्यू नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू अब आप कितना भी बढ़ाते जाओ उसी एंगल पे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे दिस इज द आउटपुट ठीक है तो जब आपने ये सेम चीज अप्लाई किया था रिज रिग्रेशन में तो वहां पे ऐसा हो रहा था कि कर्व अपना शेप रिटेन करके धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा था बट जीरो कभी भी नहीं हो रहा था बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शेप लूज कर रहा है और सेकेंड जीरो पे जाके ठहर जा रहा है उसके बाद आप कितना भी बढ़ाओ वैल्यूज को आप जीरो से पीछे नहीं जाओगे और आप जीरो पे फिक्सेट हो गए ठीक है तो ये जो इंट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैसो रिग्रेशन के बारे में यू कैन सी दिस इज द इंट्यूशन जो मैं आपको दिखाना चाहता था इसके आगे आप नहीं जाने वाले ठीक है और धीरे धीरे ये वाला जो लाइन है इधर से ये एकदम फ्लैट हो गया है सी दिस इज द फ्लैट लाइनिंग अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके पीछे का मैथ्स समझना पड़ेगा ठीक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बट इस पॉइंट पे जस्ट मेक श्योर आप अपना इंट्यूशन क्लियर रख रहे हो कि लैसो और रिच के बीच में क्या डिफरेंस है कब कौन सा यूज करना चाहिए और आई गेस या दैट्स इट ठीक है सो दैट्स द वीडियो गाइस आई होप आपको लैसो रिग्रेशन के बारे में एक इंट्यूशन मिल गया हमने कुछ कोड्स भी ट्राई कर लिए ये सारे नोटबुक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा डिफरेंट डेटा सेट के साथ और अपने जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करो तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ठीक है और इसके पीछे का मैथ्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करते हैं सो या दैट्स इट थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय